वीडियो में हम 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। सामने पे क्वेश्चन दिया गया है, द सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 2, 2, 3, 5। तो पहले लिख लेंगे 2, 3, 5। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10%, 20% आर अलाउड। देखो 15% का इंक्रीमेंट अगर करना है तो इस 2 को ऐसे ही रख देंगे। 15% मतलब 115 बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंक्रीमेंट का मतलब ये हो जाएगा। और देखो 3 वाला जो है ये 110 से बढ़ जाता है, मतलब 10% से बढ़ता है तो 110 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 वाला जो है वो 20 से बढ़ता है तो 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा रेशियो। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, ये हमको निकालना है न्यू रेशियो। तो ये 0 से 0 सारे मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से कटेगा ये, 5 दुनी 10, 5 तिया 15, 23 बार 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दुनी 10 और 5 दुनी 10 22 बार 5 से इसको काटेंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद देखो किससे कटता है, अब किसी से नहीं कट रहा है। तो 46:66 2 से काट सकते थे हम, कोई बात नहीं। तो ये 120 हो गया, और इसको फिर से काट लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2, 3, 6, 23:2। ये 23 वाला कोई ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट प्रोपोर्शन इतना, देन फर्स्ट पार्ट इज। तो हमको रेशियो दे रखा है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4, तो ये हमको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सब जगह एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम 12 आ गया, तो 12 से ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। 6:8:9 ये आ जाएगा हमारा। 8, 6, 14, 14, 10, 24 होता है, तो 24 में से गया 23। 23 की वैल्यू हमको दे रखी है 782। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी अपन 23, हमको 23 हमको फर्स्ट पार्ट निकालना है, यानी कि हमको 6 की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको कर लेते हैं 782। 23 का अगर टेबल याद हो जाए तो बढ़िया हो जाता, तो कोई बात नहीं। 23 तिया हो जाएगा 69, 8 ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9 आएगा, और 92 हो जाएगा, और चक्को 23 चक्को 92, तो ये हो गया 34 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, ये 34 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है। तो 6 चक्को 24, 2 6 18, 2 20, यानी कि 204 हमारा आंसर आ गया। तो 204 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, इफ 7 इज एडेड टू बोथ दिस चेंज टू 3:5, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। टू रेशियो हमको दे रखे हैं 1:2, तो हमने पहला माना 1x, दूसरा माना 2x, ठीक है 1:2। इफ 7 इज एडेड टू बोथ, तो 7 दोनों जगह हमने ऐड कर दिए, तो इक्वल टू ये हो जाता है 3/5। तो इसको कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5x + 7 × 35 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6x + 7 = 21 हो जाएगा ये। तो 6x - 5x हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 35 - 21। तो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया, ये मैंने सही किया नहीं, 35 14 आ रहा है, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 7 × 21, तो 14 आ रहा है। 14 ऑप्शन में तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। देखना इस क्वेश्चन को बनाना, अगर कुछ और आंसर आ रहा होगा तो मुझे बताना। द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:2, 3:2, 4:5 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ये सम ऑफ द स्क्वायर बोल रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सपोज फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 3x, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 4x, थर्ड नंबर हो जाएगा 5x। सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी कि इसका स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर इज 1250। तो 1250 ये जरूर है, द सम ऑफ द नंबर इज, हमको सम ऑफ द नंबर निकालने हैं। तो करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9x²
प्लस ये हो जाएगा 16x² प्लस हो जाएगा 25x² इक्वल टू हो गया 1250। इसको सम करते हैं तो 16, 16, 9, 16, 9, 25, 25, 25, 50, 50x² इक्वल टू आ गया हमारे पास 1250। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 1250 डिवाइड बाई 50। 50 से अगर इसको काटेंगे तो 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचास 25, 25 आ गया। तो 25 बार तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 5 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू 5। तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर। तो हमको द सम ऑफ द नंबर इज, सम ऑफ द नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, 20। और थर्ड नंबर कितना आ जाएगा, 25। तो इसका सम हमको निकालना था, 5 5 10, ऐसे लेख 2 2 4 5 और 1 6, यानी कि 60। 60 हमारा आंसर है, 60 हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 4 ईयर। तो सचिन इज यंगर, यानी कि सचिन इक्वल टू है राहुल प्लस 4। राहुल प्लस 4 इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9। तो 7:9 का रेशियो दे रखा है। 7:9 का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा सचिन और ये हो जाएगा राहुल। तो 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इस 2 की वैल्यू हमको दे रखी है, 2 की वैल्यू हमको दे रखी है 4। 4 ईयर ज़्यादा है बोला ना, तो इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हमको निकालना क्या है, हाउ ओल्ड इज सचिन। तो 7 × 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 14 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। अरुण एंड दीपक की एज का रेशियो दे रखा है 4:3 प्रेजेंट में। आफ्टर 6 ईयर अरुण एज विल बी 26 ईयर। तो ये 6 ईयर में अरुण की एज हो जाती है 26। एक सेकेंड, हाँ, आफ्टर 6 ईयर अरुण से एज विल बी 26 ईयर। अरुण की एज कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। तो प्रेजेंट में अरुण की एज कितनी होगी, प्रेजेंट में अरुण की एज होगी 26 - 6 यानी कि 20। प्रेजेंट में कितनी होगी अरुण की एज, 20 होगी ना, हाँ अरुण की 20 है प्रेजेंट में एज। तो यानी कि 4 की वैल्यू 20 है, 4 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 20 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ये क्या आया, ये आया दीपक की प्रेजेंट एज, व्हाट इज़ द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट, तो 15। यही हमको निकालना था, 15 हमारा आंसर है, 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 5:6। तो प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 5/6, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। 7 ईयर हेंस, 7 ईयर हेंस मतलब 7 साल बाद, 7 साल बाद द रेशियो बिकम 6:7, रेशियो 6:7 हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एक्स प्रेजेंट एज, तो एक्स अपॉन वाई ये था, तो हमको 5 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 5 और 6, याला 5 और याले 5 की 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 7 ईयर्स। 1 की वैल्यू जैसे ही हमको पता चल गई, हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 5 35, 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 37वां क्वेश्चन बना लिया। 38वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद, समीर और आनंद की प्रेजेंट एज आर इन द रेशियो इज 5:4 रिस्पेक्टिवली। 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम 11:9। देखो 11:9 हो गया। व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज, इस 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का है, और 11 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो इसको 2 का डिफरेंस बनाने के लिए दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इंटू 2 करेंगे। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी। तो 5 2 10, 4 2 8। तो अब डिफरेंस कितने का बन गया, 2 का, और यहाँ पर 11/9 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये जब हमने रेशियो जब बराबर कर दिए, डिफरेंस बराबर कर दिए, अब हम इसके बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो 10 और 11 के बीच का डिफरेंस चाहे इसका देखें या 8 और 9 के बीच का डिफरेंस देखें, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 3 ईयर, 1 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 3 ईयर।
हमको निकालना क्या है, आनंद प्रेजेंट है, तो चार की वैल्यू निकालनी है। तो चार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार दिया 12, तो 12 इसका आंसर होगा, 12 इसका आंसर होगा, और कोई तो ऑप्शन में है नहीं, तो 12 नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द टोटल ऑफ एजेस ऑफ जे पी एस इज 93, ठीक है 93 है, तो जे प्लस पी प्लस एस इक्वल टू, ये हमको दे रखा है 93। 10 ईयर एगो द रेशियो, 10 ईयर एगो बोल रहा है, यहाँ से 10 साल बाद रेशियो था उनकी एज का, वो था 2:3:4, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एस, एस की प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी कि इस चार की वैल्यू निकल जाएगी तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इनका जो सम है वो 10 साल पहले कितना रहा होगा, देखो 10 साल अभी प्रेजेंट में उनका सम कितना है 93 है, तो 10 साल पहले सम कितना होगा, सबकी एज जो है 10 10 साल बड़ी होगी, यानी कि 30 बड़ी होगी, तो सम अभी इस समय कितना आ जाएगा, 10 साल पहले सम आ जाएगा 63, 30 माइनस कर देंगे तो 63 आ गया, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू हमारे पास है 63, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 7 63 7, तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 7 6 28, और ये 10 साल पहले की एज है, तो अभी प्रेजेंट में कितनी एज हो जाएगी इसकी, 38 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमने 39वां क्वेश्चन भी बना लिया। लास्ट 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं हम। हितेश इज 40 ईयर ओल्ड एंड रूनी इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर एगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। अब देखो अभी हमको दे रखा है 40 और 60 का रेशियो दे रखा है, ठीक है 40 और 60 हमको दे रखी है एज। हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले कहता है, रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5, 3:5 रहा होगा बोलता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे बनाएंगे जरा सोचते हैं इसके बारे में। अभी अगर देखें तो अभी डिफरेंस कितने का है, 4 और 6 है, 4 और 6 है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 और 4 ये है 1, ये कितने साल पहले रहा होगा, क्या 10 साल आंसर हो सकता है, अगर हम उसको 0 ना हटाएं तो ये 10 साल नहीं आएगा, तो 10 साल इसका आंसर होगा। अब इसको किस तरीके से और कर सकते हैं ये हम और वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखो सपोज x से साल पहले, वैसे इसका आंसर 10 होगा मुझे लगता है, कैसे कहो ये 40 है और ये 60 है, ये हमने लिया 40 और 60, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 30 और 50, 30 और 50 हो जाता, और ये डिफरेंस जो है 10 और 40 का डिफरेंस ये हो जाता 10 के बराबर, तो इसका आंसर वैसे 10 ही होगा। तो इसको और किसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। तो ये हमने 40 तक के क्वेश्चन कर दिए, अब इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे।